गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 द वर्ब। क्लास 9th एंड क्लास 10th की ये कंबाइंड क्लास है। आप लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ठीक, तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द वर्ब। व्हाट इज वर्ब, वर्ब होती क्या है। वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट्स। जो क्रिया होती है वह एक ऐसा शब्द होता है अथवा ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें हम लोगों को पता चलता है दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस। उससे हम लोगों को पता चलता है कुछ हुआ। ठीक, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के होने का संकेत होता है तो वो कहलाती है वर्ब मीन्स क्रिया। जो हम लोग कुछ भी करते हैं, एनी थिंग वॉट वी डू, कुछ भी जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें वर्ब कहलाती हैं, क्रिया होती हैं। चाहे जैसे आप लोग जानते होंगे रन, वॉक, रीड, स्लीप, वॉक, ठीक, कम, गो, जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, वर्ब्स के अंतर्गत। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग कुछ देख ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे आप लोग जानते हैं जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं, एनी थिंग वॉट वी डू, सब सारी चीज़ों को वर्ब कहा जाता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, देर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, 4। कौन कौन से, ट्रांसटिव वर्ब, इनट्रांसटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, इनट्रांसटिव मीन्स अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब मीन्स योजक क्रिया एंड ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो हम लोग टेंस वगैरह में यूज़ करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सारे वर्ब्स की डेफिनेशन और इसके बारे में उसके एग्जांपल बताते हुए समझाऊंगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसटिव वर्ब। तो अब आप लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांसटिव मीन्स क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ठीक, ट्रांसटिव मीन्स सकर्मक क्रिया, ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब्स आर द एक्शन दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। जो ट्रांसटिव वर्ब होती हैं, जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उनको कर्म की ज़रूरत होती है। ठीक, द एक्शन वे क्रियाएँ वे कार्य That have an object to receive that action, कि उन्हें object की ज़रूरत होती है, जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत होती है उसे हम लोग transitive verb कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है transitive verb means सकर्मक क्रिया। जैसे आप लोग example देखेंगे, we enjoyed the movie, हमने movie enjoy किया। जैसे यहाँ पर enjoy जो है इसको अकेले छोड़ दिया जाए, ऐसे द मूवी ना हो, वी इन्जॉयड, हमने आनंद लिया, तो क्वेश्चन बनेगा या फिर दिमाग में आएगा किस चीज़ का आनंद लिया, तो ऑब्जेक्ट की यहाँ ज़रूरत हम लोगों को महसूस होगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इन वर्ब्स को, ट्रांसटिव वर्ब्स को ज़रूर होती है। जैसे अगला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, राखी सिंग्स, जैसे इतना ही सेंटेंस हो कि राखी गाती है, तो क्या गाती है, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी ना, तो राखी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये ट्रांसटिव वर्ब जो होती है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा, वी एंजॉयड द मूवी, राखी सिंह से सॉन्ग। अब अगला नंबर आता है इनट्रांसटिव वर्ब का, अकर्मक क्रियाओं का, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस आप लोगों को पूरा लगेगा। इसमें अगर ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तो जो सेंटेंस होगा वह ट्रांसटिव वर्ब में अधूरा लगेगा। अब इस तरह से हम लोग इंट्रांसटिव वर्ब देखते हैं कि व्हाट इज इंट्रांसटिव वर्ब। इंट्रांसटिव वर्ब्स आर द एक्शन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं इंट्रांसटिव वर्ब, जिसको हम लोग इंट्रांसटिव वर्ब जो है उसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रियाएं कहते हैं, और इंट्रांसटिव वर्ब्स में हम लोगों को पता चल रहा है कि अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म की ज़रूरत ही ना हो। और इसकी डिफिनेशन भी हम लोगों को यही बताएगी कि इनट्रांसटिव वर्ब्स आर द एक्शन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्म की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि राम प्लेज, राम खेलता है, कृष्णा स्लीप्स, कृष्ण सोता है,
इन सब में आप लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस अपने आप में पूर्ण लग रहा है, इसमें कोई सेंटेंस जो है वो अधूरा नहीं लग रहा है। राम प्लीज राम खेलता है, ठीक, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। और इसे आप लोग जो इनट्रांसटिव वर्ब होती है इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ट्रांसटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कर्म की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस जैसे आप लोग समझते हैं, मैंने आप लोगों को द सेंटेंस वाली क्लास में इसके बारे में बताया है, तो आप लोग अगर ना देखे होंगे तो उसको फिर से देखिएगा। और मैं अभी भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो जो चीज़ें करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, वो कर्म कहलाती हैं। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, व्हाट द सब्जेक्ट्स डू, वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इनट्रांसटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म कहलाता है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह एकदम कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ट्रांसटिव वर्ब का जो एग्जांपल है, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्ट है द मूवी, तो इसमें वी इंजॉयड, हमने आनंद लिया या फिर हमने देखा, आप लोग कह सकते हैं कि मूवी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने इंजॉय किया किस चीज़ का, मूवी का। तो ये इसके ऊपर ये कौन कर रहा है, ये मूवी देखने का काम कौन कर रहा है, हम। तो वी जो है इंजॉयड द मूवी, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंजॉयड द मूवी। और राम प्लेज राम खेलता है, ये डायरेक्ट राम से जो है कनेक्ट है। जैसे राम इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर, ठीक, जैसे ये सेंटेंस होते हैं राम इज अ स्टूडेंट, तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं से राम से ही जुड़ा हुआ है। तो आप लोग अभी लिंकिंग वर्ब में देखेंगे, ये जो है लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल होगा, ठीक, जिसमें राम इज अ स्टूडेंट ये आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के तरीके दिखेगा। तो यहाँ पे ये सारे ये ऑब्जेक्ट हैं, जो ट्रांसटिव वर्ब का एग्जांपल वी एंजॉयड द मूवी, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो सकर्मक क्रियाएँ होती हैं। इन ट्रांसटिव जो वर्ब हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इसमें कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। एकदम सिंपल सा सेंटेंस, राम प्लेज लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप लोगों को लिंकिंग वर्ब के लिए लिंकिंग वर्ब में समझाया जाएगा। तो आप लोग अब आप लोग देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। अब आप लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। Linking verbs are verbs that serve as connection between a subject and further information about the subject. जो linking verb होती है, linking verb means होता है योजक क्रिया, जो जोड़ती हैं किसको किससे, subject को, ठीक। जो linking verb होती है वो subject को जोड़ती है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं John is a teacher, ठीक। यहाँ पे ये जो वर्ब है ये जॉन को ही कहीं ना कहीं इसमें एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके यूज़ हुआ है, ठीक। टीचर जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और ये कहीं ना कहीं केवल जॉन के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जॉन इज़ अ टीचर, जॉन को ये इज़ वर्ब क्या कर रही है, जोड़ रही है किससे, टीचर से। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है, जो सब्जेक्ट को सीधे डायरेक्टली जोड़ती है, ऐड करती है। अगला है जैसे मदर वॉज एंग्री, कौन क्रोधित था, जो मदर थी वो क्रोधित थी। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है, योजक क्रिया हो जाती है, जो सब्जेक्ट को जोड़ती है अनदर वर्ड से। अब आता है लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो अ वर्ब दैट इज यूज विथ अ मेन वर्ब टू शो टेंस, जो वर्ब ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग हम लोग टेंस बताने में, टेंस दिखाने के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे बी हैव डू जो होते हैं, बी वाला फॉर्म जो है, जैसे इज आर एम वाज वर डू डज डिड, ठीक, हैज हैव हैड, तो ये सारी जो वर्ब्स होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या कर रही है, मेन वर्ब से जुड़ी हुई है और यह टेंस को डिफाइन करने का काम कर रही है।
उसी तरह अगला सेंटेंस है, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उसने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ फिर जो डिड और डिड जो लगा है ये क्या है, ए वी है, ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सेंटेंस में यह डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और यह सेंटेंस के टेंस को डिफाइन कर रहा है। किसी भी वाक्य के काल को बताना ही ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। इस तरह से आप लोगों का जो ये चैप्टर था ये समाप्त होता है, और अब आप लोग इसके जितना मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, ठीक, इसकी सहायता से आप लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में या फिर किसी भी वर्ब में कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आर क्वेरी देन यू कैन आस्क 8576879375। दिस इज़ स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।